नमस्कार दोस्तों, मैं पारस सोलंकी स्वागत करता हूं आपका बीकानेर सीरीज के इस अगले भाग में। जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले का इलाका। यहां जाटों की बहुत सी बिरादरियां अपने अपने कुल व गोत्र के हिसाब से अलग अलग रहा करती थी, जिसे राव बीका ने जीतकर एक नए राज्य का निर्माण किया। अगर देखा जाए तो राजस्थान के दो बड़े राज्यों की स्थापना करने में करणी माता की अहम भूमिका रही है, एक तो जोधपुर और दूसरा बीकानेर। हजारों लोग आज करणी माता को देवी की तरह मानते हैं। अगर श्रद्धा को अलग रख दिया जाए तो करणी माता एक सामान्य किसान परिवार से आती है। जाति से चारण होने के कारण राजपूत व ब्राह्मण जैसी जातियों के बराबर तो नहीं थी, किंतु इसके बावजूद उन्होंने खुद को शक्ति केंद्र के तौर पर स्थापित किया। अब राव बीका ने बीकानेर की स्थापना तो कर दी, किंतु पड़ोसी भाटी राजपूतों में हलचल तेज हो गई। जैसलमेर के भाटी राजाओं द्वारा तनाव की स्थिति को देख करके करणी माता ने हस्तक्षेप किया और राव बीका की शादी पुंगलगढ़ के भाटी शासक राव शेखा की बेटी रंगकवरी के साथ करवा दी, क्योंकि पुंगलगढ़ जैसलमेर व बीकानेर के बीच सीमा पर आता था। इससे नए राज्यों पर भाटियों से युद्ध का बड़ा खतरा टल गया। वहीं एक दिन राव बीका अपने पिता जोधाजी राठौर के साथ अपने चाचा कांधल की मौत का बदला लेकर किसी युद्ध से वापस लौट रहे थे। तभी राव जोधा ने बीका जी से एक वचन की मांग करते हुए कहा कि बेटा, तुम सपूत हो जिसने अपने बाहुबल से एक बड़ा नया राज्य बना डाला। अब मेरी इच्छा है कि तुम जोधपुर के उत्तराधिकारी होने के नाते उस पर अपना हक न जमा कर अपना राज्य अपने छोटे भाइयों को दे दो। राव बीका ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। मैं कभी भी जोधपुर पर अधिकार नहीं करूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपके बाद आपकी पूजनीय सभी वस्तुएं मिलनी चाहिए। इस पर राव जोधा ने खुश होकर के कहा, ऐसा ही होगा। वहीं कुछ समय बाद 1489 को जोधपुर में जोधाजी राठौर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजगद्दी पर अगला राजा उनका पुत्र सातलदेव को बनाया गया। किंतु 3 साल बाद 1492 में वो भी चल बसे। अब मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी सातलदेव के छोटे भाई राव सूजा को बनाया। राव बीका ने राव सूजा से शर्त के अनुसार उन चीजों की मांग की, किंतु राव सूजा उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो राव बीका ने अपनी सेना के साथ जोधपुर पर चढ़ाई कर दी और मेहरानगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। इस बीच उनकी माता जसमा दे हाड़ी ने दोनों को एक साथ बिठा करके मध्यस्थता करवाई, जिसमें राव बीका को जोधाजी राठौर की छत्तर, ढाल, तलवार व कन्नौज से लाया गया चंदन की लकड़ी का बना एक पुराना सिंहासन मिला, जो आज भी बीकानेर के जूनागढ़ किले में देखने को मिलता है। राव बीका का अंतिम समय शांतिपूर्ण तरीके से रहा और 17 जून 1504 के आते आते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 8 रानियां भी उनके साथ सती हुई। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना है। अगले भाग में आप देखोगे कि कौन बीकानेर का अगला शासक बना और किस तरह बीकानेर राज्य एक शक्तिशाली रियासत कहलाई, जिसके लिए देखते रहना वीरभूमि राजस्थान।